सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पंचमी विभक्ति और उपपद विभक्ति। सबसे पहले पंचमी विभक्ति, अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नृपः ग्रामात आगच्छति, राजा गांव से आता है। यहाँ पर इन दोनों उदाहरण में वृक्ष और ग्राम दोनों स्थिर कारक है, इसीलिए लगातार इनमें पत्र और नृप दोनों ही अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष और ग्राम की अपादान संज्ञा होने के कारण इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब है पंचमी उपपद विभक्ति। भित्रार्थानाम भयो हेतु है, अर्थात भयार्थानाम रक्षार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य यद हेतु अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। अर्थात भय अर्थ की और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जिससे भय हो या रक्षा हो उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जहाँ अपादान है वहाँ पंचमी विभक्ति आती है। उदाहरण, बालकः सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है। तो यहाँ जो भी धातु है इसके योग में पंचमी विभक्ति आई है। नृपः दुष्टात रक्षति या त्रायते, राजा दुष्ट से रक्षा करता है। इन दोनों धातुओं का अर्थ होता है रक्षा करना। तो रक्ष धातु के योग में यहाँ पर दुष्ट में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, आख्यातोपयोगे, अर्थात यस्मात् नियमपूर्वकम् विद्याग्रहाते तस्य शिक्षकादिकस्य अपादान संज्ञा भवति, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है। जैसे शिष्य उपाध्यायात अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ पर अधि ई धातु प्रयोगे पंचमी विभक्ति है। अध्ययन करना अर्थ की धातु क्रिया के प्रयोग में यहाँ पंचमी विभक्ति आई है। छात्रः शिक्षात पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। तो यहाँ पट धातु प्रयोगे पंचमी विभक्ति है, पढ़ना के अर्थ में क्रिया के प्रयोग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, जुगुप्स विराम प्रमादार्थाना मुह सब संख्याना, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातूनाम प्रयोगे यस्मात् घृणादि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। जुगुप्सा जिसका अर्थ होता है घृणा करना, विराम रुकना, प्रमाद असावधानी करना, इन अर्थ वाली धातु के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण, महेशः पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। तो यहाँ जुगुप्स धातु के प्रयोग में पंचमी विभक्ति आई है। कुलदीपः अधर्मात विरमति, कुलदीप अधर्म से रुकता है। तो यहाँ विरम धातु के प्रयोग में पंचमी विभक्ति आई है। मोहन अध्ययनात प्रमाद्यति, मोहन पढ़ने से प्रमाद करता है, अर्थात असावधानी करता है। तो यहाँ पर प्रमाद धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भुवः प्रभवः, अर्थात भू धातु य कर्ता तस्य यद उत्पत्ति
स्थानं तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। अर्थात भू होना, इस धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का उद्गम स्थान है हिमालय। प्रभव धातु के योग में यहाँ पर फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवती, कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है, यहाँ प्रभव धातु के योग में पंचमी विभक्ति आई है। जनी कर्तु है प्रकृति, अर्थात जन धातु है यह कर्ता, तस्य या प्रकृति है, कारणम हेतु है, तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। जन है तो जन, जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। धातु का जो कर्ता है उसके हेतु की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, गोमयात वृश्चिकः जायते, गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जन धातु का जो प्रयोग हुआ है उसके साथ में पंचमी विभक्ति आई है। अब है अंतर्धो येना दर्शनम मिच्छति, अर्थात यदा कर्ता यस्माद् अदर्शनम इच्छति तदा तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। जब कर्ता जिससे अदर्शन यानी कि छिपना चाहता है तब वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। बालकः मातुः नीलयति, बालक माता से छिपता है, तो यहाँ पर छिपने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महेशः जनकात नीलयति, महेश पिता से छिपता है। अगला वर्णार्थ नामिप्तः, अर्थात वर्णार्थानाम धातूनाम प्रयोगे य इप्तः अर्थः भवति, तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। वारण यानी हटाना, इस अर्थ की धातु के योग में अत्यंत प्रिय वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण, कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति, किसान जौ से गाय को हटाता है। यहाँ पर वृ धातु के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति अर्थात यदा द्वयो पदार्थयो कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदर्शयते तदा विशेषण शब्देह सह यसून अथवा तरप प्रत्यस्य प्रयोगे क्रियते, यस्माच्च विशेषता प्रदर्शयते तस्मीन पंचमी विभक्ति प्रयोगे है भवति। जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ में यसून या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति, राम श्याम से अधिक चतुर है। यहाँ पर तरप प्रत्यय प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। माता भूमि है गुरुतरः अस्ति, माता भूमि से बढ़कर है, तो तरप में यहाँ फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी,
जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ भी यसून प्रत्यय के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधोलिखित शब्दानाम योगे पंचमी विभक्ति। अब और कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो शब्द है रीते। रीते का अर्थ होता है बिना। सदस्य प्रयोगे पंचमी विभक्ति यानी बिना के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज्ञानात् रीते मुक्तिः न भवति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति जिसका अर्थ है से लेकर, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति। उदाहरण सह बाल्य कालात् प्रवृत्ति अध्यावधिः अत्रैव पठति। वह बचपन से लेकर अब तक यहाँ ही पढ़ता है। बही बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। पूर्वम जिसका अर्थ है पहले, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य को करो। प्राक प्राक का अर्थ भी पूर्व। इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण ग्रामात् प्राक आश्रमः अस्ति। अन्य यानी दूसरा, इस शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति। ग्रामात् अन्यः अयम् कः अस्ति। राम के अतिरिक्त यह दूसरा कौन है। अनंतरम यानी बाद में, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति। यशवंतः पटनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। यशवंत पढ़ने के बाद खेल के मैदान को जाता है।